जिस तरह से कई सारे सरकारी बैंक देखे, थोड़ी खरीदारी देखने को मिले, लीड कहीं ना कहीं SBI कर रहा है। कोई बैंकिंग स्टॉक्स है कि आपको पॉलिसी से पहले किसी में आप खरीदारी करने की सलाह देंगे? SBI तो है, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, पर जो उससे भी अच्छा दिखाई दे रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट दिखाई दे रहा है। आज के सत्र में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है। रिलेटिवली बाकी के सारे बैंकिंग काउंटर्स एक न्यूट्रल रेंज में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, पर मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्यादा दमखम दिखाई दे रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी भी बाय कर सकते हैं। वन बहुत नजदीक वाला स्टॉप लॉस है, 140 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहिए, यानी 2.5-3 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और अगर ये स्टॉक 144-145 के ऊपर चलने लगता है तो इसमें बहुत बड़ी मूव आती नजर आएगी। 150 से लेके 155 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आते हैं 2-3 ट्रेडिंग सेशंस। तो बैंक ऑफ बड़ौदा होल्ड करके चल सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, 150 तक का लक्ष्य देखने को मिल रहा है। किरण को उनको लगता है और भी तेजी देखने को मिल सकती है। आज एक इंटरेस्टिंग प्ले हुआ है किरण, खासतौर पे एविएशन स्टॉक्स में देखिए खरीदारी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में जेट एवेज में काफी ज्यादा गिरावट थी, इंडिगो में हमने दबाव देखा, स्पाइस जेट में गिरावट थी, लेकिन आज देखिए तीनों शेयर में खरीदारी है, खासतौर पर इंडिगो में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। इन तीनों में से कोई पसंद है आपको या आपको लगता है कि नहीं तेजी पर निकल जाए? रुझान नेगेटिव दिखाई दे रहा है, पर इंडिगो का रुझान बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो पिछले करीबन एक महीने से, अगर मई महीने से अगर चार्ट देखते हैं तो थोड़ा सा लोअर टॉप लोअर बॉटम कर रहा था, पर ये लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं था, वो कंसोलिडेशन है, क्योंकि इसने एक 700 से 1100 तक एक वर्टिकल रैली दी थी। मेरे ख्याल से इधर से और भी अपसाइड बाकी है, स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 980 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट के लिए करीबन 1100 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं आते कई दिनों में। 1100 के ऊपर अगर चलता है तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिल सकती है, जो कि 1300 तक ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से एविएशन सेक्टर में मेरा पसंदीदा स्टॉक इंडिगो है। इंडिगो खरीद के चल सकते हैं, 980 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। किरण को लगता है कि तेजी देखने को मिलेगा तो 1100 रुपए तक भी शेयर जाता हुआ दिख सकता है। एक सेक्टर देखिए खासतौर पर कुछ एक ऐसे स्टॉक्स में चर्चा कर रहा हूँ जिसमें जोरदार तेजी देखने को मिल रही है पर इस पर चर्चा कम होती है, जैसे लूमिक्स देखिए, रुसील डेको जैसे स्टॉक्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में अच्छी खरीद है। रेप्रो इंडिया वहां एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, खासतौर पर लूमेक्स में देखिए 11% की, रुसील डेकोर में 11-12% की मजबूती देखने को मिली, बीजिया एनर्जी में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, राधा माधव कॉर्पोरेशन, विष्णु केमिकल, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, असाही इंडिया, पॉलीप्लेक्स जैसे कंपनियों के शेयर देखिए आज अच्छे वॉल्यूम के साथ, कुछ में तो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी तेजी देखने को मिली। इन 10 स्टॉक्स जिसकी मैंने बात की इसमें कोई आपको पसंद है क्या? रेप्रो पे ध्यान रखना चाहिए, एक जहाँ पे एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट के सिनेरियो दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से अगर स्विंग ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा। करीबन 408 का 420 का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए और टारगेट के लिए 520 से लेके 550 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इनमें से मुझे रेप्रो ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो रेप्रो इंडिया में और भी तेजी देखने को मिल सकती है, 10 स्टॉक्स जिसकी मैंने बात की उसमें किरण को सबसे पसंदीदा शेयर रेप्रो इंडिया, उनको लगता है कि इसमें और भी मजबूती देखने को मिल सकती है। शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करा। आज फार्मा शेयर में देखिए एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, बायोकॉन की तो हमने चर्चा की लेकिन छोटे मझोले फार्मा शेयर में देखिए खरीदारी है, एस्टेक लाइफ साइंस वहाँ एक अच्छी मजबूती है, वीनस रेमेडीज में खरीदारी देखने को मिल रही है, जुबिलेंट लाइफ, इनस्विफ्ट इंडस्ट्रीज में देखिए, इसके अलावा जैक्सन फार्मा पिछले कई दिनों से तेजी है, डिवीज लैब में देखिए वहाँ खरीदारी है, स्टाइट सासून की आपने बात की, आपने रिकमेंड भी किया इसको खरीदने की सलाह दे रहे हैं आप, इसके अलावा कैडिला, ब्रुक्स लैब जैसे स्टॉक्स में है, स्टाइट सासून की आपने बात की खरीदने की सलाह दी, बायोकॉन आपको पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन इसके अलावा जो मैं छोटे मझोले शेयर बता रहा हूँ क्या इसमें कोई पसंद है क्या आपको? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसी सलाह होगी, क्योंकि मुझे कोई ऐसा कॉन्फिडेंट चार्ट पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको बहुत बड़ी मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, तो छोटे मझोले फार्मा स्टॉक से दूर रहे। जैसे कि मैंने कहा, एक स्टार एक अच्छा दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक बहुत अच्छी रुझान आपको देखने को मिलेगी, बाकी के सारे स्टॉक्स में कोई ऐसा टेक्निकल ब्रेकआउट दिखाई नहीं दे रहा जहाँ पे आप मेरी कॉन्फिडेंस स्ट्रांग रहेगी। तो कहीं ना कहीं स्टाइट सासून और बायकोन जैसे स्टॉक्स है जो इनको पसंद है, इसमें तेजी देखने को मिल सकता है। किरण, जाते जाते अभी तक हमने कई सारे स्टॉक्स आपसे पूछे हैं, आपने उसके जवाब दिए, आपके दो शेयर जिसमें लगता है कि तेजी देखने को मिल सकती है? लुमैक्स एक रहेगा, बहुत बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न है और मेरे ख्याल से जब मैंने रिकमेंड किया 570 था, अभी 580 पे क्रॉस करते नजर आ रहे हैं, पर फिर भी अभी भी खरीदी कर सकते हैं। लुमैक्स का अभी स्टॉप लॉस भी बढ़ना चाहिए, 558 का सजेस्ट किया था पर अभी 565 भी कर सकते हैं और टारगेट के लिए 595 एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
दूसरा स्टॉक होगा बीएल। बीएल का चार्ट भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और बीएल का स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1170, और टारगेट के लिए 1220 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज या कल तक। तो शुक्रिया किरण, लुमेक्स और बीएल दो ऐसे स्टॉक्स है जो किरण को पसंद है, उनको लगता है कि इन दोनों शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। टॉप 50 शेयर्स में आज के लिए इतना ही।